सवाल है, आज हम सोशल मीडिया पर बात करेंगे जो कि भारत की अर्थव्यवस्था किस तरह सुधरेगा, क्योंकि यदि हम सिर्फ बिहार की बात करें तो 2006 से लेकर के 2020 तक बिहार में किसी तरह की औद्योगिक व्यवस्था नहीं किया गया है। इसका अर्थ है यदि हम उद्योग नहीं लगाएंगे तो युवाओं का पलायन होगा, और युवाओं का पलायन होगा तो अर्थव्यवस्था स्वतः ही गिरती चली जाएगी। अब हम चलते हैं जो कि अर्थव्यवस्था क्यों गिरती जा रही है। जीडीपी या सकल घरेलू लाभ पर नेट प्रॉफिट जो सरकारी आंकड़ा है, और उस आंकड़ा को यदि हम धरातल पर लाते हैं तो हम जमीन आसमान की अंतर दिखाई पड़ती है। चलते हैं, हम सिर्फ इस मोबाइल की बात करते हैं। ये मोबाइल है, इस मोबाइल कंपनी ने 16 प्रकार के उद्योगों को बंद कर दिया। अब आप समझ सकते हैं कि 16 प्रकार की जो उद्योग में लगे लोग जो उत्पाद से संबंधित थे, सिर्फ एक मोबाइल को बाजार में आने से 16 प्रकार की कंपनियों को भट्ठा बैठा दिया। यानी 16 प्रकार की कंपनियों में कार्यरत कर्मचारी के मुंह के लाले पड़ रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं जो कि इस कंपनी में, इस मोबाइल में क्या क्या फंक्शन है जो कि 16 प्रकार की कंपनियां बैठ गई। तो छोटे छोटे चलते हैं, हम घड़ी की बात करते हैं। एक मोबाइल में आप लेते हैं तो घड़ी की सुविधा है, कैमरा की सुविधा है, कैलकुलेटर की सुविधा है इस मोबाइल में, और मनी बैंकिंग की व्यवस्था भी इसी में है। बैंकिंग क्षेत्र से कंपनियों उद्योग लोगों को जो नौकरी पर हैं वहां से छटनी की जा रही है। आप घर बैठे नेट बैंकिंग काम कर सकते हैं। सिर्फ एक मोबाइल के आने से भारत में जैसे देश में कितनी कंपनियां बंद हो चुकी है। अब हम चलते हैं, ये सारे कंपनियां कहाँ की है, ये मोबाइल कहाँ की है, ये मोबाइल विदेशी है। पहले इलेक्ट्रॉनिक गुड्स विदेशी है, फोर व्हीलर जितने हैं सब विदेशी है, कपड़े से लेकर के हर चीज़ विदेशी है। चलते हैं, शरीर में जो प्लास्टर किया जाता है हॉस्पिटल में, प्लास्टर ऑफ पेरिस, वह विदेशी है, और इंजेक्शन भी विदेशी है। मोबाइल से लेकर के बायोन, ट्रैफिक लाइट से लेकर के स्ट्रीट लाइट तक सारे के सारे विदेशी है। माथे की शोभा बढ़ाने वाली बिंदी और सिंदूर भी विदेशी है। इत्र से लेकर के गुलाल जो लगाते हैं वो भी विदेशी है। शरीर ढकने के लिए पैर से लेकर के सर तक जो कपड़े हम पहनते हैं वो विदेशी है। यानी अर्थव्यवस्था कैसे सुधरेगा, क्रीम से लेकर के ब्लेड तक सारे के सारे विदेशी है। चलते हैं, पुलिस के हाथ, ट्रैफिक के हाथ में आप देखेंगे एक लाइट होता है, वह विदेशी है। तो स्ट्रीट लाइट के जो जितने भी उत्पाद हैं वो विदेशी है। घर में जो मीटर लगा हुआ है बिजली का, वो विदेशी है। घर में जो चूल्हा बना है विदेशी है। पेन से लेकर किताब, उच्च स्तरीय किताब भी विदेशी है। तो फिर अब ये सवाल, सब कुछ जानते हैं, सभी व्यक्ति जानते हैं ये सारे विदेशी हैं, तो फिर मैं इसके बारे में क्यों एक्सक्लूड कर रहा हूँ, मैं क्यों कह रहा हूँ जो कि ये विदेशी है, क्या बताने का क्या उद्देश्य है? बताने का कोई उद्देश्य होना चाहिए ना, जो कि हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि भारत के सभी आजकल शिक्षित, सभी शिक्षित हो चुके हैं और सब कुछ जानते हैं, और जितना जानते हैं उतना ही वो उसके पीछे उपयोग करने से भागते हैं। अब हम चलते हैं, भारत के अर्थव्यवस्था से इसे क्या लेना देना। हमने मोबाइल ले लिया, हमने कार ले लिया, कोरियन कार ले लिया, जितना भी कार है, कोरियन मेट्रो है,
तो इससे क्या फर्क है? यदि हम कोरियन मेट्रो ले लेंगे तो क्या आएगा? यदि हम चाइनीज सामान लेते हैं, उससे भारत को क्या फर्क पड़ता है? भाई फर्क पड़ता है, क्योंकि हम विदेशी सामान खरीदेंगे, हमारे रुपया डॉलर के हिसाब से वह विदेश जाएगा। हमारे देश में जो इलेक्ट्रिक, हमारे देश में जो फैक्ट्रियां हैं, वह समाप्त होती जाएगी। आज उदाहरण के तौर पर बहादुरगढ़ के एक उद्योगपति के पास 7 नील फैक्ट्रियां थी, लेकिन चाइनीज रंग का आने के कारण वो 7 फैक्ट्रियां बंद हो चुकी है। अब कपड़े के क्षेत्र में लीजिए, खादी भंडार उद्योग समाप्त कर दिया गया है, घरेलू जो हम लोग खाते हैं सामान FMG सब, वो भी अब 50-50% विदेशी है, 50 स्वदेशी है। यानी हम जो खरीदेंगे वह पैसा विदेश जाता है, विदेश जाता। इतना ही नहीं, यदि विदेशी कंपनी में हम काम करते हैं और वहां कुछ हो गया तो हम जिंदगी भर केस लड़ते रह जाएंगे, जैसे कि भोपाल गैस कांड में आज तक किसी को नहीं मिला। विदेशी चीजों को प्रसाय देने से का यही लाभ है। आज हम जो पेपर पढ़ते हैं, हिंदी हो या इंग्लिश, चैनल टीवी चैनल देखते हैं, चाहे हिंदी देखते हो, चाहे विदेशी देखते हो, चाहे कोई भी मीडिया हाउस में 50-60-40 की हिस्सेदारी विदेशी है। आप मीडिया में पेपर पढ़ रहे हैं, 1980 के, 1986 के पेपर पढ़ रहे हैं, 2020 की पेपर पढ़ रहे हैं, उसके आर्टिकल है, इसके आर्टिकल में अंतर देखिए। यानी आज हर चीज विदेशी हिसाब से, विदेश अपने हिसाब से उसको डेवलप कर रहा है भारत को, तो फिर हम कहाँ जाएं? ये कहने की क्या जरूरत है? जरूरत है क्योंकि हम जो खरीदते हैं, $1 = 70 होता है। यदि हम $50 के सामान खरीदते हैं तो ₹3500 हम विदेश, हमारा विदेश चला गया, माने भारत का ₹3500 विदेशी ₹70 हुआ, और वह ₹70 वह डॉलर इतना रुपया हमको देना पड़ेगा। यानी हम अपने रुपया को डॉलर में कन्वर्ट कर विदेश सप्लाई करते हैं, विदेश भेजते हैं। इसके लिए उत्तरदायी कौन है? इसके लिए सबसे बड़ी समस्या है, उपयोग सबसे बड़ा दायित्व बनता है भारत के आम जनताओं, क्योंकि वह अपने देश के सामानों को उपयोग करेंगे तभी अपने देश की फैक्ट्रियां में सामान उत्पाद होगा, सामान तभी उत्पादन होगा जब उपभोक्ता मिलेंगे। यदि उपभोक्ता, अपने देश की उपभोक्ता विदेशी सामानों को उपयोग करेंगे तो विदेशी सामान बिकेगा। जैसे नेपाली डालडा, खाने का चीज लीजिए, आज घर घर में नेपाली डालडा चल रहा है और अपनी डालडा समाप्त हो चुका है। अब चलते हैं हम कुछ डिजिटल इंडिया, प्रधानमंत्री के आने के बाद डिजिटल इंडिया को काफी लाइफ दिया गया। क्या हमें डिजिटल इंडिया से क्या लाभ है, या सोशल मीडिया से क्या लाभ है? सोशल मीडिया में कौन लिखता है? ट्विटर एक है, ट्विटर पर किसी बच्चे, किसी भारतीय आदमी ट्विटर को पढ़ता है? ट्विटर पर सिर्फ नेता लोग लिखते हैं, मंत्री लोग लिखते हैं, क्यों? कि ट्विटर पर बहुत क्षणिक आदमी देखते हैं। और ट्विटर का फैलाव कौन करता है? तो प्रिंट मीडिया करता है, क्योंकि फलाने अमुक अमुक व्यक्ति का ये टिप्पणी ट्विटर पर है। भाई ट्विटर पर है तो आपके पेपर में वो चीज़ क्यों नहीं दिया जो कि आप ट्विटर हैंडल से करते हैं? सवाल है, ट्विटर मुफ्त में नहीं है, फेसबुक मुफ्त में नहीं है, व्हाट्सएप मुफ्त में नहीं है, उस पर जो जारी विज्ञापन होता है उस विज्ञापन को डॉलर में कन्वर्ट करके विदेश पैसा दिया भेजा जाता है। और आप यदि मीडिया हाउस, यदि हिंदुस्तान टाइम्स वाले, यदि भारत से प्रकाशित होने वाले पेपर अगले 3 महीना के अंदर में टैक्स पे नहीं करेंगे तो 10 बार उनको जाएगा वारंट। लेकिन फेसबुक, ट्विटर की चालबाजी हम आगे बता रहे हैं, जो कि फेसबुक भारत के साथ कितना छलावा करता है, कितना वो गमन करता है, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते हैं कि उसकी, उसका CEO अमेरिका में बैठा हुआ है, ट्विटर हैंडल विदेश है, व्हाट्सएप के मालिक विदेश है, इंस्टाग्राम विदेश है। आपकी विदेश नीति ऐसी नहीं है जो कि ट्विटर के या फेसबुक के मालिक को आप अरेस्ट करके भारत में ले आएँ, आपके पास अमेरिका जैसी शक्ति नहीं है।
काम करने के लिए। अब ट्विटर मीडिया चलते हैं, मीडिया की ही हम बात करते हैं, अब मीडिया की बात करते हैं, चलते हैं हम ट्विटर फेसबुक पर इंस्टाग्राम पर। फेसबुक जो आजकल सबसे बड़े लोकप्रिय चीज़ है, सरकार ने इसे प्रसय दिया। क्यों? कि अपने मीडिया को समाप्त करने के लिए सरकार ने इसे प्रसय दिया, क्योंकि अपनी मीडिया जो है वास्तविक चीज़ जनता की, वास्तविक चीज़ सरकार तक नहीं पहुँच पाती है। वो पहुँचाने में वो पीड़ितों से भी पैसा लेती है, जिसके कारण फेसबुक या एक्स्ट्रा मीडिया की खोज की गई और उसके रूप में फेसबुक सामने आया। अब देखिए फेसबुक का रैंकअप देखिए, फेसबुक का रेवेन्यू की रैंकअप जो है 27% है। जनवरी 2016 की रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2015 तक 123.5 करोड़ रुपये की राशि अर्जित की, अर्थात 9 रुपये प्रति यूजर की रिकॉर्ड रहा उसके पास। यानी एक यूजर से, एक फेसबुक यूजर उपयोगकर्ता से फेसबुक 9 रुपये लेती है, लेकिन उतना ही वो टैक्स चोरी करता है। ये खुलासा, ये रिपोर्ट इकोनॉमिक टाइम्स की है। इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार 2015 की तुलना में 2016 में फेसबुक ने 97.6 करोड़ रुपये का छलांग लगाई। यानी फेसबुक की बिजनेस हुआ मोदी सरकार के आने के बाद। मोदी सरकार डिजिटल इंडिया को काफ़ी हाईलाइट किया, माने मॉडलिंग किया, और मॉडलिंग तो डिजिटल को करना चाहिए, लेकिन डिजिटल पर जो आमदनी होता है उस पर टैक्स के लिए मोदी सरकार ने कुछ भी नहीं किया, या कुछ भी नहीं कर रही है, क्योंकि उस पर वो टैक्स, तभी उस टैक्स ये उसके घरे इंडिया की सीमा में नहीं है। अब एक नज़र डालते हैं फेसबुक पर, एक नज़र फेसबुक पर चलते हैं। ये रिपोर्ट है इकोनॉमिक टाइम्स के, फरवरी से लेकर के दिसंबर 2016 तक फेसबुक ने कमाया कितना रुपया, 4,95,396 बिलियन, यानी 49,53,960 बिलियन डॉलर। 2017, अब इसको एक वर्ष की आमदनी हुई बिलियन में, अब 17 से लेकर के 20 तक उसको गुना कर दीजिए तो मल्टीपल हो जाएगा कितना, 19,805,840 बिलियन डॉलर सिर्फ भारत से अर्जन किया है, लेकिन टैक्स उतना ही वो नहीं दिया। अर्जित करता है, अर्जन करता है, व्यवसाय करता है विदेशी हमारे देश में, लेकिन हमारे देश की जो विदेश नीति है, हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है, फॉरेन पॉलिसी है, वो कुदंड है, उस पर कोई पकड़ नहीं है। आप कहीं से भी विदेशी को या विदेशी मालिक को अपने गिरफ्त में नहीं कर सकते हैं। यह रिपोर्ट किसी की नहीं है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी की रिपोर्ट है, माने भारत में रजिस्ट्रार और कंपनी, जैसे देश में प्रधानमंत्री होता है, चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता है, उसी तरह कंपनी के क्षेत्र में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी होता है, उसका रिपोर्ट बहुत ही शोधित होता है। यह रिपोर्ट रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी का कहना है। अब चलते हैं, लेकिन इसका खंडन किया किसने किया, फेसबुक के हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया। फेसबुक के हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया का कहना है कि यह गलत है। गूगल सर्च इंजन के हवाले से उसने लिखा है कि आमदनी $84,000 ही हुआ, अर्थात 12.5 बिलियन डॉलर फेसबुक ने कमाए भारत से। अब हम कैलिफोर्निया की गूगल सर्च इंजन की बात करें या हम अपने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी की बात करें, अर्थात इससे भी आगे चलिए, फेसबुक 33% अर्थात 16 करोड़ रुपया ही टैक्स अदा की। आमदनी उसने किया क्या, यदि हम गूगल सर्च इंजन की बात करते हैं तो $84,000 आमदनी किया और देश को कितना दिया, 16 करोड़ रुपये टैक्स। वर्तमान की स्थिति जो है 2018 तक की स्थिति में गूगल के पास, अक्टूबर 2018 तक गूगल के पास 294 मिलियन यूजर्स है, माने लाख, मिलियन माने लाख होता है, 294 मिलियन यूजर्स है फेसबुक के पास। फेसबुक का कहना है कि यह फिर भी फेसबुक संतुष्ट नहीं है, उसको और चाहिए। उसका कहना है कि यह बहुत कम है,
क्योंकि 70% यूजर्स गूगल सर्च इंजन पर काम करता है। गूगल सर्च इंजन जो है उसका कहना है, फेसबुक का कहना है कि गूगल सर्च इंजन का जो यूजर्स है, का जो बढ़ोतरी है वो 70% है, माने मेरे पास उतना नहीं है, अर्थात 400 करोड़ रुपये की बढ़त है गूगल सर्च इंजन के पर। अब हम चलते हैं ईश्वरन का कहना है। ईश्वरन का कहना है कि भारत में अक्टूबर 2015 तक 375 बिलियन इंटरनेट यूजर था, माने पूरे भारत, विश्व में भारत तीसरे रैंक पर है इंटरनेट पर। इंटरनेट, यह रिपोर्ट है इंटरनेट मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का, और जहां जो, और व्हाट्सएप का जो है यूजर्स जो है 200 मिलियन यूजर्स 2018 तक था। व्हाट्सएप काफ़ी लोकप्रिय है और इसका भी यूजर्स 200 मिलियन है, यह रिपोर्ट अक्टूबर 2018 तक का है। अब चलते हैं सोशल मीडिया लिंक्डइन। सोशल इंडिया लिंक्डइन पर भी थोड़ा नज़र डालें, यह इतना लोकप्रिय नहीं है फेसबुक और ट्विटर की तरह या व्हाट्सएप की तरह लोकप्रिय नहीं है, लेकिन इस पर भी कुछ कुछ भारतीय काम करते रहते देखे इस पर भी यूजर है। लिंक्डइन जो है सो 20% की बढ़त से 547 करोड़ डॉलर की अर्जित की है। एक छोटा सा अब उतना लोकप्रिय नहीं होते हुए भी लिंक्डइन सोशल मीडिया जो है सो 547 करोड़ डॉलर अर्जित की है, यानी समूह की तुलना की जाए तो 20% की बढ़त हुई है। 2018-19 वित्तीय वर्ष भारत में 108 नेट प्रॉफिट के साथ 5.8 करोड़ डॉलर के साथ 56.9 करोड़ डॉलर की छलांग लगाई है, यानी ये छलांग लिंक्डइन की है। कुल यूजर इसके पास 11.45 मिलियन है। तो हमने ये आंकड़ा क्यों प्रस्तुत किया ये सभी जानते हैं, जानना भी चाहिए। अब हम चलते हैं चीन। अब हम पहले बात किए थे पार्टनर अमित महेश्वरी और अशोक महेश्वरी एंड एसोसिएट का कहना है कि एक बार कंपनी अगर इंडिया में सर्वर स्थापित कर दिए, ये सोशल मीडिया की कहना है कि एक बार अगर कंपनी, यानी सोशल मीडिया वाले फेसबुक, इंटरनेट, ट्विटर, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, जितने भी सोशल मीडिया हैं, यूट्यूब, यदि वो अपना सर्वर इंडिया की परिसीमा में स्थापित करता है तो उस पर अस्थायी रूप से टैक्स लिया जा सकता है, उसको अपने भारतीय नियम के तहत लाया जा सकता है। ये अमित महेश्वरी और अशोक महेश्वरी का रिपोर्ट इकोनॉमिक टाइम्स में छपा था। डिजिटल फर्म से भारी आय की क्षति हो रही है। 2016 में फर्म में 6% टैक्स लग की आय हुई। अब सोचिए सोशल मीडिया, फेसबुक पर प्रधानमंत्री का विज्ञापन, फेसबुक पर चीफ मिनिस्टर का विज्ञापन, ट्विटर पर उद्योगपतियों का विज्ञापन, यानी ये विज्ञापन मुफ्त में नहीं है, इस विज्ञापन से ही अरबों रुपया विदेश जा रहा है, लेकिन हमें कितना मिला है, 6% टैक्स, 6% टैक्स, जबकि हमारे इंडियन को 33% टैक्स देना पड़ता है। डिजिटल इंडिया के क्षेत्र में 2018-19 में संघीय बजट में, माने 2018-19 की जो अभी बजट पास हुआ है उसमें इस टैक्स को बढ़ाने की स्वीकृति दी गई है, लेकिन आपका संविधान, आपका नियम विदेशी सोशल मीडिया पर लागू नहीं होता, क्योंकि आप उसे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वो आप आज उस पर, उसके कार्यकर्ता को उसके ऑफिस पर आप छापा मारेंगे, रातों रात भाग जाएगा, कहाँ जाएगा, आपके पास विदेशी ऐसा कोई नियम नहीं है जो कि विदेशी को आप बुला सकते हैं उसके देश से। फेसबुक के संबंध में राइटर ने लिखा है, राइटर आपके देश की एजेंसी नहीं है, मीडिया एजेंसी है, राइटर ने लिखा है कि भारत से फेसबुक 980 बिलियन डॉलर अर्जित करता किया है 2018 में,
अब सोचिए 9,980 बिलियन डॉलर अर्जित किया, आपको दिया 6% टैक्स, माने खोदा पहाड़ निकली चुहिया। इसे ही कहते हैं अंधेर नगरी चौपट राजा, क्योंकि हमारे प्रशासनिक तंत्र, हमारे संविधान में कोई ऐसा व्यवस्था होनी ही चाहिए ताकि विदेशी मीडिया से जो अर्जित आय है उस पर सही तरह से वो हमें टैक्स पे करे। 2017-18 में 341.8 करोड़ रुपये में 40.7 करोड़ की लाभ अर्जित की है, कि लाभ आपको नहीं मिला है, फेसबुक वालों को मिला है। टोटल खर्च करने के बाद कितना रुपया, 341.8 करोड़ रुपया की आमदनी हुई, उस पर उसको कुल लाभ हुआ, नेट लाभ हुआ 40.7 करोड़। गूगल क्लॉक, गूगल में चार, गूगल का जितना प्रोडक्ट है उसका क्लॉक संभालता है गूगल क्लॉक, अर्थात 33% अर्थात 407.2 करोड़ टैक्स दिया है। बेहतर है, फेसबुक से तो बढ़िया है आपको गूगल। कुल आय 9,937.7 करोड़ रुपए की है विज्ञापन पर, लेकिन इस बार उसने विज्ञापन पर 36% बढ़ाने के साथ वो 4,949.6 करोड़ की बढ़त बनाई है। यानी हमें ये कहने का क्या तुक है, हम ये ऐसा क्यों कहना चाहते हैं, शायद बहुत कम ही लोग जान समझे होंगे जो कि हमने इस तरह की क्लिप क्यों तैयार किया। सबसे बड़ी बात है कि अगर विदेशी कंपनी के जालसाजी में फंसे कोई उपभोक्ता हो, कोई लेबर हो, तो भारत उस समय एक विधवा नारी की तरह खड़ी रहती है पीछे में, आप कुछ भी नहीं कर सकते उस कंपनी के मालिक को। उदाहरण के तौर पर विगत वर्षों में हरियाणा के हीरो होंडा कंपनी में कर्मचारियों को मार दिया गया गोलियों से, कर्मचारी धरना पर बैठे रहे लेकिन पुनः वापसी नहीं की गई। आपकी सरकार, आपकी व्यवस्था सारी है, पुलिस भी आपकी, व्यवस्था भी आपकी, लेकिन आमदनी और नौकरी पर आपका कोई अधिकार नहीं है। विदेशी कंपनी में आप विदेशी जो विदेश से जो सामान आता है वह सामान फिटिंग करेगा आपका आदमी, कंपनी खोलेगा वो, लेकिन लाभांश ही ले जाएगा। अगर वो लाभांश ले गया तो आपका डेवलप कैसे होगा, आपके विकास, आपके क्षेत्र में वो नहीं हो सकता विकास। कुछ दिन पहले, 3-4 साल पहले, जिंदल एंड कंपनी फ्रांस में अपना बोरिया बिस्तर समेटना चाह रहा था, लेकिन फ्रांस की एक ऐसी नीति है वहाँ की जो कि लाभांश आपको लगाना ही पड़ेगा, चाहे आप फैक्ट्री बेचे या ना पड़े, आप उस देश के लाभांश को अपने देश में नहीं ला सकता है। कोई भी इंडस्ट्रीज के मालिक फ्रांस में जो, या जर्मनी में, या चीन में, कहीं भी आप विदेश पूंजी इन्वेस्ट करते हैं तो आपको लाभांश अपने देश में नहीं लाने देगा। क्या भारत का विदेश मंत्री या भारत का कोई प्रशासक इस तरह की व्यवस्था के प्रति आवाज अभी तक उठाई है, जो कि हमारे देश में भी ऐसे ही नियम होना चाहिए, जो कि विदेशी कंपनी लाभांश अपने देश में नहीं ले जा सकता है, वह यहाँ ही एक फैक्ट्री के बदले दूसरा फैक्ट्री लगाए ताकि वहाँ पर रोजगार मिले, लेकिन आपके देश में ऐसा नहीं है। जब हम विदेशी प्रोडक्ट का उपयोग करेंगे, अब हमने कुछ विदेशी प्रोडक्ट का बात करें, हम जूता चप्पल की बात करते हैं, हमारे देश में कितनी कंपनियां भट्टी बैठ गया, आज आप देखिए इंडस्ट्रियल एरिया में जा करके फैक्ट्री का फैक्ट्री लॉकअप हो गया है। क्यों लॉकअप हो गया, क्यों हमारे प्रधानमंत्री विदेश नीति अर्थव्यवस्था में ढीला ढाला रुपया अपना रखे हैं, वो भारत को एक बाजार शो कर रहे हैं, बाजार के रूप में फोकस कर रहे हैं कि आओ हमारे देश में सामान बेचो, हम अपने फैक्ट्रियों को बंद कर दे हैं। 2014 से लेकर के 2020 तक एक भी कंपनियां किसी भी हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर के भारी इस्पात उद्योग तक
भारत में नहीं लगा, बंगाल खा ले, बिहार खा ले, उत्तर प्रदेश खा ले, मध्य प्रदेश खा ले, एक भी निवेशक देश में नहीं आए। क्यों? क्योंकि वह विदेशों को विदेश में जाकर के कहते हैं चलो हमारे यहाँ सामान बेचो, माने व्यापार, हम लोग उसके सामान खरीदेंगे या और हमारा रुपया उसके पास जाएगा। तो जब तक हमारे पास ठोस विदेश नीति नहीं होगा, हम अर्थव्यवस्था को सहार नहीं सकते हैं। ये आंकड़ा कुछ भी कह देना अपने मुंह की बात है, मीडिया पर नियंत्रण है, मीडिया सही बात नहीं जनता के पास ला रही है। अब आप सोचिए 50 रुपया की जूता हम लेंगे, 400 रुपये तक की जूता पर टैक्स फ्री है, लेकिन 1500 जूता यदि हम लेंगे तो उस पर टैक्स, हमें नॉमिनल टैक्स लिया देना पड़ता है। लेकिन यदि हम $500 की या 100 डॉलर की जूता खरीदते हैं तो कितना दाम देना पड़ेगा? $100 गुने 70 रुपया, माने 70,000 रुपया की एक जूता हम खरीदेंगे। 70,000 पर टैक्स कितना हुआ ये हमारी सरकार नहीं जानती है, ना हमारे देश की जनता जानती है। सब दूर के ढोल सुहावन पर काम कर रहे हैं। इसलिए भारत सरकार को, भारत के विदेश अर्थव्यवस्था को ट्रैक पर लाने के लिए, भारत के लघु उद्योग को, भारत को उत्पादक के रूप में विदेश में पेश करना होगा। चलो हमारे यहाँ सामान है, तुम खरीदो हम देंगे। जब तक भारत को उत्पादक के रूप में पेश नहीं करेंगे, हमारे यहाँ बेरोजगारों की बीमार महामारी फैलती रहेगी। इसलिए हम इस क्लिप बनाने का हमारा यही उद्देश्य है कि सही स्थिति को आप लोग समझें, ताकि यह ना हो जब तक सही स्थिति को आप लोग समझेंगे तब तक नैया डूब जाएगी और भारतीय अर्थव्यवस्था बीजेपी की सरकार में सुधरने नहीं जा रही है, क्योंकि अभी तक हमारे पास कोई नए निवेशक नहीं आया है। और निवेश के बारे में एक और चीज़ हम कहना चाहते हैं, निवेश का मतलब यह नहीं समझे जो कि विदेशी मालिक आएगा हमारे पास पूरा रुपया लगाता है। निवेश यदि इंग्लैंड का या अमेरिका का या फ्रांस का कोई लैंड मालिक आता है, वो क्या करेगा? वो आपको फाउंडेशन मनी लगाएगा, घर उड़ बना देगा, और वो शेयर बाजार में किसी आप ही की कंपनी ऑनर के साथ वो टाई अप करके शेयर फंसाएगा। वो शेयर में जो आमदनी होगा वह रुपया आपके फैक्ट्री में लगाएगा, यानी आपके रुपया ही आपके फैक्ट्री में लगाता है, ना कि वो विदेशी रुपया आपके फैक्ट्री में लगाता है। तो वो भी एक निवेश के बारे में ये मत सोचिए जो इतने रुपये का निवेश हुआ है तो ये इतना रुपया विदेशी है, नहीं। फाउंडेशन मनी के बाद एक भी मनी, एक रुपया तक भी, एक भी डॉलर तक विदेशी कंपनी नहीं लगाता है, वो आपका ही रुपया होगा। इस मकर जाल में इस अंधविश्वास से मत रहिए जो कि विदेशी निवेश आता है तो पूरे रुपया लगाता है, ये कभी भी आप मत सोचिए। इसलिए हम इस क्लिप्स के माध्यम से कहना चाहेंगे जो कि विदेशी सामानों की उपयोग पर जितना हो सके उतना आप लोग उससे परहेज कीजिए, और अपने क्षेत्र में, अपने घर में जो उद्योग हो उसको आप लगाइए, ताकि आप एक ब्लेड यानी एक बिस्किट फैक्ट्री लगाते हैं तो उसमें कितना होगा? एक लेबर होगा, एक फीटर होगा, एक चूल्हा जलाने वाला होगा, एक आटा या मैदा चलाने वाला होगा। कम से कम एक बिस्कुट फैक्ट्री के अंदर में 10-12 लड़के चाहिए। उसके बाद मार्केट में आइए, उसको सप्लाई कीजिए, सप्लायर चाहिए, रिटेलर चाहिए, फिर खाने वाले चाहिए। यानी एक छोटे से बिस्किट फैक्ट्री लगाने से 50-100 से लेकर के 1000 आदमी तक उसमें इंगेज होता है। बेचने वाला भी तो नौकरी हुआ, एक बिस्किट बेचेगा तो उसको भी तो आमदनी होता है। तो ये सोचना पड़ेगा, और इस तरह वह हमारी सरकार या किसी भी की, यह बीजेपी की सरकार या कांग्रेस की सरकार या राजद की सरकार या जेडीयू की सरकार नहीं सोचेगी, क्योंकि उसको तो मलाई चाहिए। यदि बिना काम किए ही उसको मलाई मिल रहा है
तो फिर क्यों काम करेगा आपके लिए? जा रहे सारे विदेश सारे लड़के यदि बाहर जा रहे हैं तो राज्य में वही लुच्चे लफंगे रहेंगे जो आपको उपद्रव करेगा, उसके पास कुछ रहेगा नहीं, आप दुकान पर कमाइएगा शाम को लूट लेगा। तो सरकार जितना चाहती है, सरकार देश कंस्ट्रक्टिव सरकार अपने देश में नहीं है, यह विदेशों में कंस्ट्रक्टिव सरकार है जो अपने देश के प्रति अपने जनता के प्रति सोचती है। हमारे यहाँ की सरकार सत्ता के लिए सोचती है, किस तरह सत्ता में है। इसलिए अगर अर्थव्यवस्था पर अर्थव्यवस्था को सही ट्रैक पर लाना है तो हमें विदेशी सामानों को जितना हो सके उससे बचें। इसलिए हम जनता जब तक जागरूक नहीं होंगे देश की अर्थव्यवस्था नहीं संभल पाएगी। इसके साथ ही यह क्लिप समाप्त होता है। नवसंचार समाचार.com से शैलेश कुमार, धन्यवाद।